तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिकेट अड्डा के चैनल पे। आईपीएल से जुड़े हर एक अपडेट और हर एक ब्रेकिंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो, आपको सब्सक्राइब करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पे जोर से उंगली मारो। खैर, मजाक से हट के अब बात करते हैं आरसीबी के बारे में। जी हाँ, ये वही टीम है जो हर साल हमको आपको सबको प्रॉमिस करती है, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हमको आपको सबको तो पता ही कि आरसीबी की टीम से एबी डिविलियर्स संन्यास ले चुके हैं, बल्कि एबी डिविलियर्स आईपीएल से ही नहीं बल्कि हर एक क्रिकेट फॉर्मेट से अब संन्यास ले चुके हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, अब जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, इसको सुनने के बाद शायद हमको और आपको थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा। जी हाँ, जब से हम लोग ये खबर सुने हैं कि अब एबी डिविलियर्स क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं, तब से जितने भी क्रिकेट प्रशंसक हैं वो कहीं ना कहीं दुखी जरूर थे। तो खबर ये आ रही है कि आरसीबी के टीम में एबी डिविलियर्स वापस आ सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो फील्ड पर खेलते हुए तो नहीं बल्कि एज ए बैटिंग कोच और मेंटर के तौर पे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, हाल में ही चल रहे इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दौरान जब आकाश चोपड़ा और संजय मांगर कमेंट्री कर रहे थे, तब संजय मांगर ने ये बोला कि आरसीबी के साथ एबी डिविलियर्स एज ए बैट्समैन कोच जुड़ सकते, क्योंकि जो हेड कोच होता है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होती है, उनको बॉलर्स को भी देखना है, बैट्समैन को भी देखना है और फील्डर्स पे भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर एबी डिविलियर्स टीम के साथ बैटिंग कोच के तौर पे जुड़ते हैं तो इससे अच्छा विकल्प क्या हो सकता। वहीं एबी डिविलियर्स का आरसीबी के क्या इमोशंस जुड़ा हुआ है, ये हमको आपको सबको पता है ही। तो ये पूरी संभावना है कि एबी डिविलियर्स आरसीबी के साथ जरूर जुड़े रहेंगे। जिस तरीके से एमएस धोनी क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, लेकिन वो टीम के साथ वर्ल्ड कप में एज ए मेंटर जुड़े हुए थे। हमने ब्रेंडन मैकलम को भी देखा है, जब वो फर्स्ट टाइम आईपीएल खेल रहे थे, जब आईपीएल की शुरुआत ही हुई थी तब उन्होंने पहले मैच में ही शतक मारा था, ये आपको हमको सबको पता है ही। लेकिन उसके बाद भी जब वो क्रिकेट से और आईपीएल से संन्यास लिए तो वो एज ए मेंटर और एज ए कोच जुड़े हुए थे टीम के साथ। तो अगर हम भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते तो क्या, अगर हम उनको दूर से ही देख लें तो हमारा सौभाग्य है ये, और एबी डिविलियर्स कोई भगवान से कम तो है नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आरसीबी टीम एबी डिविलियर्स के मेंटरशिप में रह के ट्रॉफी जीतने में कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। आईपीएल से जुड़े हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।